वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामदीरे नष्टप्रायेषु हृद्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्रोते भक्तिर्भवती नैश्चिति। हरे कृष्ण। आज के अपने इस आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हम रूप गोस्वामी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आगे भी चर्चा बाकी है। एक और ये क्लास के बाद एक और क्लास लगेगा रूप गोस्वामी जी का, तब तक ख़त्म हो जाएगा वो आने वाले क्लास में। तो आज हम लेंगे पहले थोड़ा सा पिछला नॉलेज जो हमने किया पिछली बार वो देखें रूप गोस्वामी के बारे में। ओके, एकदम स्टार्ट से नहीं ले रहे, रूप गोस्वामी का जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से चालू करेंगे। ओके, हमारे सनातन धर्म, हमारा जो ये धर्म है इसे रूपानुगा वैष्णव संप्रदाय क्यों कहते हैं? ये आवाज़ इसकी कम है, गर्मी बहुत लग रही है लेकिन इसकी आवाज़ कम है, इसे साउंड वॉल्यूम बोलिए ना बढ़ाने के लिए बड़े हुए। तो अपने इस संप्रदाय को रूपानुगा संप्रदाय क्यों कहते हैं? आंसर देखना नहीं है, आंसर देख के नहीं बोलना है। रूपानुगा संप्रदाय क्यों कहते हैं हमारे इस संप्रदाय को? आपके पास नोट्स नहीं होगा रास्ते में, आप लोग पढ़िए। मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ पढ़ के आइए, ठीक है? तो हमने यहाँ तक ख़त्म किया था कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो राम केली के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें किससे मिलना था? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से। और उनके तीसरे भाई का नाम क्या था जो उनके साथ गए थे? रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी, ठीक है? तो ये तीनों भाई किससे मिलने के लिए? चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए राम के लिए गए। और राम के लिए में ऑलरेडी भगवान चैतन्य महाप्रभु जो थे वो हजारों, वो अकेले नहीं आए थे मिलने के लिए, हजारों भक्तों के साथ, क्योंकि वो हजारों भक्त राम नाम का धुन करते हुए हरे नाम संकीर्तन करते हुए राम के लिए में वह किसका इंतजार कर रहे थे? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का, ठीक है? उनके साथ अनुपम गोस्वामी भी थे, ठीक है? ये सारे जो नाम दिए हुए रूप सनातन और अनुपम गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए। तो शुरू में रूप गोस्वामी जी का असली नाम, मतलब बचपन का नाम क्या था? अमर, अमन नहीं, अमर, अमर र, र अमर अमन नहीं, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद उनका नाम बदला, ठीक है? किसने उनका नाम बदला? का नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? नवाब हुसैन सर। उसने क्या नाम रखा रूप गोस्वामी का? हाँ अच्छा, वो दो मैंने दो तीन लेक्चर सुने, किसी ने खास वर्ड करें या तो प्रोनाउंसिएशन में, मतलब हमारे सुनने में प्रॉब्लम हो, या फिर वो प्रोनाउंसिएशन का रॉन्ग, एक्चुअली वो खास नहीं था, खान था मैंने, और हाँ खान सर कबीर ने क्या था? नहीं कबीर खास तो नहीं था, कबीर खास नहीं था। देखिए किसे देखिए, हाँ कबीर आप सुने हो, देखो ये प्रॉब्लम होता है। डबीर था, डबीर कबीर नहीं था, डबीर द द डबीर खान खास नहीं था, वो खास सुनाई दे रहा था बड़ा, इसलिए वो खान था, डबीर खान याद रखे अभी। कबीर मैंने बोला भी नहीं था, मैंने डबीर ही बोले थे, बट मुझे खास और खान में थोड़ा सा डबीर था, डबीर डबीर खान, ठीक है? ऐसे ही सनातन जी का हम बाद में डिस्कस करेंगे, सनातन जी का भी हमने बताया था कि उनका नाम क्या था, संतोष था पहले का नाम, बाद में उनका नाम क्या किया गया वो नाम मैंने बताया था।
सनातन गोस्वामी का उनका भी नाम था जो कि नवाब ने चेंज किया था, दिखाया नहीं था मैंने क्योंकि हमने बोला कि हम सनातन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनका नाम जो संतोष था और हम भी जानते हैं कि अभी सनातन गोस्वामी आगे उनकी जब लीला उनके उनकी लीलाओं के बारे में या फिर उनके चरित्र के बारे में उनकी जीवनी के बारे में जब हम जानेंगे तब उस समय हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी उनके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माता पिता का नाम क्या था? हाँ, कुमार देव। माता का नाम रेवती। ठीक है, इनके पास कितने पुत्र और पुत्री थे? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात आती है कि वो लोग जाते हैं रामकेली में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो जब और चैतन्य महाप्रभु बहुत व्याकुल थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए, तो लेकिन जब रूप गोस्वामी उनसे मिलने जाते हैं तो वह अपने मुँह में घास का तिनका रखते हैं, दांतों के तले में दबा के उनसे मिलने जाते हैं। तो यह क्या यह जो घटना है ये शो करती है कि जब भी हम बड़ों से अपने बड़े वैष्णव से मिलने जाएं तो मुँह में घास का तिनका रख कर जाएँ। घास का तिनका रखने का कुछ मतलब है प्रणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, मतलब कि हमें एक वैष्णव को एक भक्त को अगर दूसरे अपने से बड़े भक्त को मिलने जा रहे हैं तो किस तरह से उन्हें एक्ट करना चाहिए। मुंह में तिनका रखने का मतलब ये एक साइन है कि मतलब कि कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है और हमेशा हम्बल स्टेट में रहना है। कैसे रहना? एकदम हम्बल, एकदम अपने आप को विनम्र रखना है कि सॉफ्ट, मतलब ऐसा उन्होंने आगे स्तुति भी करते हैं, हम जानेंगे कि रूप गोस्वामी क्या स्तुति करते। तो ये क्या मुंह में घास का तिनका रखने का मतलब, जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं, स्कूल में बोलते हैं ना टीचर को, टीचर तो टीचर समझ जाती है, बोलना नहीं पड़ता कि मुझे बाथरूम जाना है ना, ऐसे करने से समझ जाती है कि उनको बाथरूम जाना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये इसको लॉन्ग कॉल जानी, ये शॉर्ट कॉल है, ये लॉन्ग कॉल, ये साइन है। ये साइन लैंग्वेज बेसिकली जो बहरे और ढूंगे होते हैं ना वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है। तो ठीक है, इसी तरह से मुँह में ये घास का तिनका रखने का मतलब ये है कि हमें घास जैसा विनम्र होकर उनके समक्ष जाना। तो जा पहुँचते ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने क्या किया? साक्षात दंडवत किया। और उसके बाद जैसे उन्होंने साक्षात दंडवत किया, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। ठीक है, और क्यों तुरंत गले से लगा लिया? उन्होंने साक्षात दंडवत किया और हमें गले, हम भगवान को दंडवत करते हैं, भगवान ने तो आज तक हमने कभी फील ही नहीं किया कि भगवान हमको गले लगा रहे हैं। कल फील किया किसी ने? कभी फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि हम अब कितनी सारी मन में इच्छाएं लेकर उनके सामने दंडवत करें। कभी कभी अभी यहाँ तो ठीक है, यहाँ आराम से दर्शन करने को मिल जाता है, इंडिया में जैसा कि हम बातें कर रहे थे, इंडिया में तो थोड़ा सा अभी मतलब कुछ सेकंड का टाइम मिलता है भगवान का दर्शन, कहीं कहीं तो ऐसे भगा देते, बस लाइन ऐसे चलती रहे, ऐसे मूव होती रहती, मतलब आप चलते 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 ऐसे दर्शन करो। अभी हम द्वारका में गए थे, द्वारका में ऐसे था, अब खड़े होके नहीं, जब एकदम पीछे रहते अगर भगवान दिख गए कृपा से, भगवान की कृपा से, तो आपको दूर के जो जितने दर्शन मिलेंगे उतने, और वहाँ पहुँचने पर तो ऐसे ऐसे तो मूव होना पड़े, खड़े रहोगे तो वो सामने वाले वॉचमैन भी बोलेगा भागो भागो। लेकिन इस बार मतलब इतना भीड़ थी, किलर से आप दर्शन कर ही नहीं सकते, नहीं द्वारका में बिल्कुल दर्शन ऐसे मिल ही नहीं रहा था, पूरी भीड़ थी, सब जगह खचा खच भरा हुआ था। आपको उस भीड़ में तो भी मैंने दो बार घुस के अंदर दर्शन मेरे हो गए, तो एकदम साइड में लेफ्ट साइड में एकदम रास्ता है जिसमें से आप बीच में से आप घुस सकते हो, तो मुझे आइडिया लग गया। पहली बार में मैंने दिख रहा था इतनी लंबी लंबी लाइन है, मैंने लेफ्ट में देखा यहाँ से थोड़ा जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में खड़ी रहेगी, बाद में खुद को एकदम ढीला छोड़ दिया, मतलब मारो जितना, वो ट्रेन वाला याद आ गया, पीछे से धक्का मार रहे थे मुझे, मैं कोशिश करती तो नहीं जा पाती, लेकिन खुद को एकदम ढील छोड़ दिया और सामने वालों को पूरा हाथ ऐसे रख दिया था, तो पीछे से आराम से मैं एकदम पहुँच गई। बाद में ऐसे लटक करके काफ़ी दर्शन मिल गए थे, तो उसके बाद फिर लालच कम नहीं हुई कि दूसरी थोड़ा देर 5 मिनट बाहर करके मौला वापस से जाने को मिलेगा, एक बार ट्राई करते हैं। बहुत तब तो बहुत अच्छा बॉडी मसाज हुआ, लेकिन फिर से दर्शन मिल गए प्रभु जी, एक बार दर्शन करके आते आते मेरे भी 2 बार मिल गया था। तो हमें क्या होगा, घास की तरह विनम्र। अभी देखिए
हमें चैतन्य महाप्रभु ने तो गले लगा लिया और उठा लिया, क्योंकि उनके भाव को वो जानते थे, हमारे भाव को भगवान को पता है, इसलिए हमें वो गले नहीं लगाते हैं, क्योंकि पता है भाई अभी गले लगाने के लिए बहुत टाइम बाकी है, अभी ये जन्म तो कम ही कम है और दूसरे जन्म न जाने कितने जन्म के बाद मिलेंगे, ये तो गुरु की कृपा ही बता सकती है कि हमें और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने गले लगा के कहा, तो वो बहुत भावुक हो गए, रूप गोस्वामी बहुत भावुक होकर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, आप जो है आप उनको मतलब उनका बड़ाई करने लगे, उनके जो जो कार्य करते हैं उसको बताने लगे कि आपका जो ये जो आपने ये रूप धारण किया है ये पतितों के उद्धार के लिए किया है, ये जो हमारे जैसे जीव हैं इनको इन पर आप इतने कृपालु हुए कि आपने चैतन्य रूप धारण करके आप आए, और देखिए महाप्रभु मैं इन सारे जीवों में सबसे ज़्यादा हम भाई वो बोलते हैं कि पतित हैं, हम लोग एकदम निचले कास्ट में, जबकि वो क्या थे, वो जो ब्राह्मण हाई क्लास ब्राह्मण के पुत्र थे, वो मतलब उनकी जो फैमिली थी बहुत हाई क्लास, उनका ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण थी, उनकी जो ब्राह्मण उस समय वो सारस्वत ब्राह्मण बहुत हाई ब्राह्मणों में सबसे उच्च कोटि के थे, उस उच्च कोटि के कुल में जन्म लेने के बाद भी रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम सबसे नीचे कास्ट के हैं भगवान, हम बहुत पतित हैं, हम दोनों भाई बहुत ही पतित हैं, फिर अब क्या कहते हैं कि हम तो जगाई मधाई से भी ज़्यादा पतित हैं। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि जगाई मधाई पर तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होने की वजह से उन्होंने कृपा की, आपने उन्हें अपने शरण अपना शरण दिया, लेकिन हम इतने पतित हैं, हम इतने लो कास्ट के हैं, हम इतने पापी हैं कि अभी तक आपने हमें अपनी शरण नहीं दी, हम देखिए हम कहाँ कार्य कर रहे हैं, हम कहाँ नौकरी कर रहे हैं, एक मुसलमान के यहाँ, वो भी एक मुस्लिम नाम हमें मिला है, डबीर खान और साखर मलिक, सनातन गोस्वामी जी का नाम साखर मलिक, बाद में वापस से देंगे जब उनका करेंगे, तो बोलते हैं कि डबीर खान और साखर मलिक के नाम से हमें मुस्लिम नाम एक्सेप्ट करना पड़ा, मुस्लिम वेशभूषा हमने धारण किए, और वो जो नवाब कहता है उस तरह के हमें अनुचित कार्य भी करने पड़ते हैं प्रजा के खिलाफ, तो यहाँ कितने पतित हैं भगवान, और आपकी कृपा नहीं हुई है, जगाई मधाई जो सब पतितों में सबसे महापतित हैं उनको तो आपकी शरण मिल गई, तो सोचिए हम उनसे भी अधम हैं, उनसे भी हम निचले श्रेणी में आ रहे हैं कि आपकी कृपा अभी तक नहीं मिली, अभी तक हम उनके यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाई को गले लगाया, कहा कि तुम दोनों मेरे नित्य संगी हो, आज तुम मुझे पहली बार नहीं मिल रहे हो, जन्म जन्मांतर से तुम मेरे संगी हो, आज के नहीं हो, और चिंता मत करो, उस दिन की और बात है, आप लोग अभी यहाँ से वापस जाओ, और फिर आपका जो भगवान कृष्ण जो है वो आपका उद्धार करेंगे, और आप अपने इतनी विनम्र आप जो इतने विनम्र हो वो विनम्रता प्लीज आप त्याग दो, क्योंकि आपका जो ये विनम्र भाव है मुझसे सहा नहीं जा रहा है, कि आपने मुँह में क्रीम रखा हुआ है और आप अपने आप को इतना अधम बता रहे हो, आपने मुझे न जाने कितने लेटर लिखे, कितने पत्र लिखे, उन पत्रों से ये सिद्ध होता है कि आपका स्थान कितना उन्नत है, कितना उच्च है, आप इतने जिस तरह से आप कह रहे हो कि आप इतने लो कास्ट के हो, आप इतने लो लेवल पर भक्ति में हो, लेकिन नहीं, आपके खत पढ़कर आपकी चिट्ठियों को पढ़कर मैंने आपके पत्रों को पढ़कर मैंने ये जाना है कि आपका जो स्थान है बहुत उच्च है, बहुत उन्नत जगह पर आप हो, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। देखिए फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि उनका इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राम के लिए में मेरा कोई कार्य नहीं था, मेरा कोई काम नहीं था राम के लिए, लेकिन मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम भाइयों से मिलने के लिए, तो मतलब कि इस घटना यह दर्शाती है हमें कि अगर कोई भक्त विनम्रतापूर्वक अपने आप को एकदम फॉलन कंडीशन में रख करके भगवान की भक्ति करता है तो भगवान स्वयं आतुर होते हैं उससे मिलने के लिए, यह साक्षात उदाहरण है ना चैतन्य महाप्रभु का और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का। सेकेंड उदाहरण देखिए आप प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज ने भी विनम्र भाव से एक असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने
100% सरेंडर, 24 घंटे भगवान के नाम का जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, 24 घंटे निरंतर वो भगवान के नाम का जप करते थे। यही कारण था कि भगवान को एक नया स्वरूप धारण करना पड़ा, नृसिंह स्वरूप। भगवान नृसिंह देव की जय। तो नृसिंह रूप में भगवान आए, स्वयं आए। भगवान ने ऐसा नहीं कि मेरा भक्त परेशानी में, तो वो किसी और को भी भेज सकते थे, किसी को भी भेज सकते थे बचाने के लिए, उनको स्वयं क्यों आना था। बस यही कारण था कि प्रह्लाद जो थे, प्रह्लाद महाराज, वो बहुत ही विनम्र भाव से भगवान की भक्ति करते थे, 100% सरेंडर थे। यही इसी वजह से भगवान स्वयं आए उनकी रक्षा के लिए एक नए अवतार में, एक नए वेश में। इसीलिए भगवान नरसिंह देव को भक्तों का बोलते हैं ना, रक्षक कहा जाता है। भगवान की भक्त, भगवान हर अवस्था में भक्तों की रक्षा करते हैं, हर अवस्था में, चाहे जो भी हो वह उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है भक्त वत्सल, नरसिंह देव जी को कहा जाता है भक्त वत्सल भगवान, क्योंकि उन्होंने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के कहे हुए चीज का मान रखने के लिए, भक्त ने कहा भगवान इस पिलर में है, नरसिंह देव इस पिलर से प्रकट हुए। तो आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपका जो भी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं, आपका जो भी सांसारिक कार्य है वह जल्दी ही, जो नवाब हुसैन शाह के अंदर में जो आप काम कर रहे हो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए जाओ और आपका जो भविष्य है वो कृष्ण के हाथ में है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, मतलब अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारना चाहते हैं इतना बड़ा वो प्रहलाद के पिता का नाम क्या था, हिरण्यकशिपु, जिससे देवता डरते थे, देवताओं को उन्होंने नौकर बना के रखा हुआ, ऐसे हिरण्यकशिपु को भगवान आ गए का बस इसे खत्म करना नहीं, तो कोई बचा नहीं था। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की जो आप मेरे, हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है वो भगवान कृष्ण की कृपा से आपका यह जन्म भी बहुत सफल हो जाएगा और हमारा यह रिश्ता यूं ही कायम रहेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि आप तीनों यहाँ से वापस फिलहाल के लिए अपने स्थान पर चले जाओ। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी तीनों वापस अपने जगह पर आते हैं, कहाँ पर, जहाँ से वो आए थे। ठीक है, और हाँ, उसके पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में बातें होती हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, और रास्ते में लोग डिस्कशन ऐसे करते रहते हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने की आपस में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, रूप और सनातन गोस्वामी जी के बीच में जो बातें हुई, काफ़ी इतनी इंटीमेट बातें थी, इतनी अतरंगा कृष्ण से रिलेटेड थी, अंतरंगा लीलाएँ थी जो कृष्ण की थी उनके बीच में, उसको चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रूप गोस्वामी बहुत अच्छे से उस बातों को समझ ले रहे थे, बहुत अच्छे से उस इतनी हार्ड टॉपिक को बहुत वो अच्छे से समझ ले रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने उनका नाम रखा, उपाधि दी, रसाचार्य की उपाधि दी, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रसाचार्य की उपाधि दी। तो इसके बाद वो लोग निकल गए, वापस गए, और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि रूप गोस्वामी जो थे वो अपने कामों को पूरा निपटा करके वहाँ से अनुपम गोस्वामी के साथ निकल गए, और आकर उन्होंने बनारस में किससे मिले, चैतन्य महाप्रभु से, वापस से मिले। सनातन गोस्वामी नहीं गए क्योंकि सनातन गोस्वामी का कुछ काम अभी बाकी था, तो सनातन गोस्वामी उसी नवाब के यहाँ नौकरी करते रहे, लेकिन रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी वहाँ से निकल गए, वहाँ से निकल करके वो मिले। फिर वहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत गूढ़तम शिक्षाएं दी आत्मा के बारे में, जैसे आत्मा के बारे में बताया
कि आत्मा का जो साइज क्या होता है, ये हेयर का एक टिप होता है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करो, उसका एक पार्ट लो फिर उसको 100 पार्ट में डिवाइड करो, तो बाद में उसका एक पार्ट लो, वो जो पार्ट है मतलब उसका 10,000 उसमें से एक पार्ट, जब हम एक टिप को जब हम 10,000 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसके बाद जब उसका एक पार्ट लेते हैं वो है आत्मा का फ्लो। अभी बालों को तोड़ के देखा है उसका आगे वाइट वाइट, कभी जड़ से बाल निकले तो देखिए उसका पॉइंट रहता है जड़ में वो वाइट कलर का, उसको वो हेयर देखते हैं तो उसको डिवाइड किया जाता है। तो सोचिए आत्मा का साइज कितना छोटा है, उसके बारे में बताया, फिर बताया कि हमारा गुरु का क्या महत्व है जीवन में, उन बातों को डिस्कस किया। मैं शॉर्ट में सब बता रही हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में है सबको। फिर उसके बाद मैं डिस्कस किया कि एक जीव का परमात्मा के प्रति क्या योगदान है या इसका क्या कार्य है, वो उन सारी बातों को बताया। फिर लास्ट में उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु का, सब कुछ मैं बहुत थोड़े में आपको बता रहा हूँ, इसको आपको कैसे एडजस्ट करना है और कैसे एक्सपांड करना है ये आपको देखना है। मतलब कि ये पूरे सागर की जो बूंदे पानी है उसमें से मैं एक बूंद दे रहा हूँ, अब पूरे सागर को कैसे समझना है ये आप जानो। तो कैसे सागर को समझेंगे, उस एक बूंद का जो टेस्ट है, जो उसका गुणधर्म है, उससे हम पता लगाएंगे पूरे सागर का गुणधर्म ये है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो टीचिंग है उसको कंक्लूड किया, मतलब समराइज किया और कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है दिन रात, कैसे करता है, कब करता है, दिन रात जब स्मरण करता है तो कृष्ण के प्रति प्रेम स्वयं उत्पन्न हो जाता है। यह आखिरी उनका मैसेज था रूप गोस्वामी जी। तो यह मैसेज हमारे लिए भी है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, दिन रात भगवान को स्मरण करना। तो हम तो कितने अच्छे हैं कि चैंटिंग करते समय भी स्मरण नहीं कर पाते। आप बोलेंगे अरे चैंटिंग करते समय स्मरण कैसे नहीं कर पाते, चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अरे मंत्र बोल रहे हैं तो भगवान को कैसे स्मरण नहीं करें, मंत्र जीभ से बोल रहे हैं ना, दिमाग और मंत्र कहीं और भटक रहा है, जीभ से सिर्फ बोल रहे हैं, बाकी और बहुत कुछ सुन रहे हैं। कभी फोन आने वाला है किसी का, उसके बारे में सोचे हरे कृष्ण अभी आया क्या, मोबाइल उठा के देते हैं कहीं साइलेंट पर तो नहीं रख दिए, तो दिमाग कहाँ है, मन कहाँ लगा हुआ, मन तो दूसरी जगह पर घूम रहा है और लेकिन जीवा क्या कर रही है, मैनुअल काम कर रही है। जैसे किसी खिलौने में चाबी भर दो, खिलौना नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है, फिर से आपको मतलब एक बार चल गया तो चल गया, ऐसे दिमाग जीव है, जीव में एक बार चालू हो गया ना तो बस नाम ले रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। तो इस तरह का हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, भगवान का स्मरण, मतलब भगवान को याद करते हुए भगवान के चरणों से स्टार्ट करके आज उन्होंने क्या पहना है, आज उन्होंने क्या गहने पहने, वो सब याद करते हुए हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। जब हम ऐसा करने लगेंगे तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम, भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, मतलब हमें हमारा प्रेम हम करने लगेंगे भगवान को, ठीक है। तो अब ये लोग कहाँ पर मिले थे, बनारस में मिले थे प्रयाग में। तो वहाँ पर से निकल कर चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, कहाँ पर वो जा रहे थे, जगन्नाथ पुरी। इनको कहा कि आप लोग बनारस से अब डायरेक्ट चले जाओ, जगन्नाथपुरी मत आओ, चले जाओ कहाँ, वृंदावन धाम, वृंदावन चले जाओ, वहाँ जा कर के भगवान की जो लीला स्थली है जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की थी, उन स्थानों का जो है उन स्थानों का जीर्णोद्धार करिए, जो प्रगति जहाँ पर वो प्रकट हुए हैं वहाँ पर उसका जाके जीर्णोद्धार करिए और आपको जगन्नाथपुरी आने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ही अनुपम गोस्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया। अनुपम गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों साथ में जा रहे थे वृंदावन के लिए, तो रास्ते में ही अनुपम गोस्वामी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। अब रूप गोस्वामी अकेले बढ़े रास्ते और रास्ते भर में वो सोचते रहे भगवान की लीलाओं के बारे में। फिर वो किताब लिखने का सोच रहे थे, नाटक लिखने का सोच रहे थे कि जो मैं लिखूं भगवान की बचपन की लीलाओं को। पहले उन्होंने सोचा भगवान की बचपन की लीलाओं और जो उनकी द्वारिका की लीला है दोनों को मैं एक किताब में लिखूं, ऐसा सोचते सोचते वो जा रहे थे। तो जाते जाते एक जगह पर रात हो गई, उस जगह का नाम था कि
उड़ीसा में वो हुआ था और जिसे कहते हैं सत्यभामा पुरी करके एक जगह उड़ीसा में। उड़ीसा जब पहुँचे तो रात हो गई थी। सत्यभामा पुरी में रात हो गई और रात में स्वप्न में ये बहुत ही सुंदर गोपी ने दर्शन किया दिया और उस सुंदर गोपी ने कहा कि आप जो है कि ये जो भगवान की बाल्य लीला है और जो उनकी वृंदावन यानी वृंदावन की लीला और द्वारका की जो लीला है इन दोनों के ऊपर अलग अलग आप किताबें लिखी हैं तो इनको मिक्स मत करिए। तो बाद में जब उनकी आँख खुली तब उन्हें पता चला कि मैं अभी सत्यभामापुरी में हूँ। ये जो गोपी सुंदर सी गोपी थी वो और कोई नहीं सत्यभामा जी थी। जो सत्यभामा नहीं चाहती उनकी द्वारका की वो उनकी पत्नी है वो नहीं चाहती कि गोपियों के साथ जो उनकी लीलाएं हुई हैं राधा रानी के साथ जो लीलाएं हुई वह उनकी रानियों के साथ मिक्स की जाए। मैंने कहा कि आप दो अलग अलग किताबें लिखिए जिसमें आप वृंदावन लीला अलग लिखिए और द्वारका लीला अलग लिखिए। तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। श्री रूप गोस्वामी की